हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी टेस्टी चीज़ बर्स्ट पराठा। इसे आप नाश्ते में बनाएं, बच्चों का ये फेवरेट डिश है, उन्हें आप ये बनाकर टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चीज़ बर्स्ट पराठा बनाने के लिए यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में मैंने थोड़ा सा गेहूँ का आटा ले लिया है, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डालकर पानी के सहायता से एक नरम आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। नमक ज़रा सा डालें क्योंकि हम चीज़ की स्टफिंग करेंगे जिसमें काफ़ी नमक होता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक नरम आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है और अब इसे मैं करीब 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं स्टफिंग की तैयारी कर लेती हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में एक मीडियम बोल कद्दूकस किया हुआ ये मोज़रेला चीज़ है इसे डाल दूँगी, और इसी के साथ साथ एक मीडियम बोल कद्दूकस किया हुआ प्रोसेस चीज़ उसे भी डाल दूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा सीजनिंग डाल दूंगी, जैसे कि एक छोटा चम्मच ड्राइड बेसिल लीव्स, एक छोटा चम्मच पिज्ज़ा सीजनिंग और एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने तीखे टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। स्टफिंग तैयार करने के बाद अब हम पराठा बनाएंगे। तो इस तरह से आटे के छोटे छोटे गोले काट लेने हैं, जिस तरह से हम स्टफिंग वाला पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो यहाँ पर मैंने करीब 3 गोले काट लिए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा डस्ट कर लूँगी सूखे आटे से, और अब एक एक गोले को इस तरह से लेकर उंगलियों की सहायता से फैलाते हुए एक कटोरी जैसा बना लें। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक कटोरी बनाकर तैयार कर ली है। इसमें बीचों बीच चीज़ की स्टफिंग भर लें, अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग भरें। जितना अच्छा स्टफिंग होगा उतना ही अच्छा ये चीज़ बर्स्ट पराठा बनेगा। स्टफिंग भरने के बाद किनारों को एक साथ बीच में लाकर सील कर लें। तो इस तरह से चीज़ को नीचे ढकेलते हुए आटे को किनारे से बीच में ले आएं और फिर उसे इस तरह से बीच में सील कर लेना है। तो इससे हमारा एक स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह दूसरा स्टफिंग भी मैं तैयार कर लूँगी। अब इसे हम बेलना शुरू करेंगे। तो सूखे आटे से पहले डस्ट करके इस तरह से उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा फैला लें और फिर चकले पर लेकर बेलन की सहायता से इस तरह से बेलते हुए एकदम स्टफ्ड पराठे की तरह इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। तवे को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद ये पराठा इस तवे पर डाल दें और मीडियम हीट पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक इसे सेक लेना है। तो इसे इस तरह से एक तरफ से सेक कर हो जाए तो पलट के फिर दूसरी तरफ से सेक लेना है। हल्का सा तेल लगा लेना है इस पराठे पर। तो यहाँ पर ये एक चीज़ बर्स्ट पराठा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म आप नाश्ते में परोसें या बच्चों को टिफ़िन में दें, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर इस पराठे को अब हम काट कर देखेंगे। एक पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से मैं इसे कट कर लूँगी 4 टुकड़ों में। तो यहाँ पर मैंने पराठे को दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कितना टेम्प्टिंग दिखता है ये। ये देखिए, चीज़ की स्टफिंग बहुत टेम्प्टिंग लग रही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।